का एरिया भी बहुत बड़ा है, ब्लॉग कोई छोटी मोटी चीज है नहीं। तो बस आप ये समझ लीजिए कि YouTube को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ब्लॉग आया है, यूट्यूब के कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ब्लॉग का। व्लॉग में यूट्यूब में आप किसी भी कंटेंट को, विषय वस्तु को आप फॉर्मली पढ़ते हैं औपचारिक रूप से, लेकिन व्लॉग्स में उसी कंटेंट को आप इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से, अपनापन के अंदाज में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये है इसका। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग चैनल, आप सबका स्वागत है। और स्टूडेंट के काफ़ी आग्रह करने पे, क्योंकि कई विद्यार्थियों ने इंसिस्ट किया कि एक व्लॉग चैनल बनाया जाए, तो आखिरकार हमने एक व्लॉग, लेकिन इसमें एकेडमिक से रिलेटेड ही बातें हों। चलते हैं कॉलेज के लिए। सवाल ये पैदा होता है कि व्लॉग्स क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, आखिर लोग व्लॉग बनाते क्यों। तो आप लोग कमेंट में इसका जवाब दीजिएगा कि आपकी नजर में व्लॉग क्या है, किसको कहते हैं व्लॉग। मैं समझता हूँ कि व्लॉग इज ए लर्निंग प्रोसेस बाय विच ए पर्सन कैन लर्न द नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। मतलब व्लॉग, देखिए एक पेपर है सोशियोलॉजी में, सोशियोलॉजी ऑफ विजुअल्स, उसमें आता है कि उसका एक चैप्टर है इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन सोसाइटी, यानी और उसमें बाजाबते नाम लिखा हुआ है सोशल, मीन्स ऑफ सोशल मीडिया, यूट्यूब, व्हाट्सएप, जो जो हो सकता है, ट्विटर। और ब्लॉग से एक नया पैटर्न है, एक नई मेथोडोलॉजी है, न्यू टेक्निक्स है जिसमें, और आपको मैं ये बताऊं कि व्लॉग्स इट इज ऑल्सो ए मीन्स ऑफ सोशल मीडिया, और सोसाइटी में इसका बड़ा इम्पैक्ट है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो जाहिर सी बात है व्लॉग से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू कैन लर्न द आइडियाज, हैबिट ऑफ ए पर्सन, एंड यू कैन लर्न द फॉकवेज, कस्टम्स, रीति रिवाज, तौर तरीके, ये सारी चीज़ें, परंपरा, नियम, कानून, अनुशासन, जिंदगी जीने का अलग अलग तरीका आप व्लॉग से आप सीख सकते हैं। तो व्लॉग एक बेहतरीन नॉर्म्स का पैटर्न है और सीखने की प्रक्रिया के रूप में हम समझते हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे कि आपकी नज़र में आखिर व्लॉग क्या है, जरूर लिखेंगे। और ये है, दूसरी बात ये है कि इसीलिए हमने भी ब्लॉग में, ब्लॉग के माध्यम से, ब्लॉग एक ऐसा, आप ये कह सकते हैं एक मोबाइल, एक विचलन, एक गतिशील माध्यम है अपनी बात को रखने को। तो ब्लॉग से एक गतिशील माध्यम है, इस माध्यम से आप अपनी बात रख सकते हैं, अपनी जीवन शैली को बता सकते हैं, और आप अपने जिंदगी जीने के तरीके को, लाइफ स्टाइल को, सोशल वैल्यूज को, नॉर्म्स को, इन सारी चीजों को आप बता सकते हैं व्लॉग्स के माध्यम से। व्लॉग्स एक ऐसी मेथडोलॉजी है जिसमें आप किसी भी टॉपिक को, चाहे एडुकेशनल हो, चाहे शिक्षा से अलग, हालांकि हर चीज लर्निंग है, जैसे कुकिंग हो, चाहे जीवन के एक अलग तरीके हो, जैसे किसानी हो, कोई चीज, कोई प्लांट लगाने का तरीका हो, गैस रिफिल करने का तरीका हो, कहीं कुछ
भेजने का तरीका हो, लाने का तरीका हो, पोस्टिंग हो, गाड़ी चलाने का तरीका हो, बहुत सारी चीज़ें आप ब्लॉग से सीख सकते हैं। और सो ये इसका इस पर्सपेक्टिव से इसका एरिया भी बहुत बड़ा है। ब्लॉग कोई छोटी मोटी चीज है नहीं, तो बस आप ये समझ लीजिए कि YouTube को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ब्लॉग आया है। YouTube के कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए ब्लॉग का, ब्लॉग में YouTube में आप किसी भी कंटेंट को, विषय वस्तु को आप फॉर्मली पढ़ते हैं औपचारिक रूप से, लेकिन व्लॉग्स में उसी कंटेंट को आप इनफॉर्मल तरीके से, अनौपचारिक तरीके से, अपनापन के अंदाज में आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ये है इसका तरीका। अब देखिए, हम गाड़ी चलाते हुए जा रहे हैं कॉलेज और साथ साथ में आपसे बातें कर रहे हैं, तो इसका क्या है, ये इट इज़ द इनफॉर्मल मेथड ऑफ लर्निंग। मैं अपना तवज्जो टेंशन खो नहीं रहा हूँ, बट मेरी बात आपसे चलती जा रही है। तो इट इज़ इनफॉर्मल प्रोसेस, लेकिन कोई भी क्लास जो फॉर्मली होता है वो ऐसे नहीं हो सकता, लेकिन इनफॉर्मल मेथड से आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो इसी मेथड से हम बहुत सारी चीज़ जानेंगे, छोटी छोटी चीज़ें, दिक्कतें, गाड़ी जैसे हम चला रहे हैं तो बहुत होशियारी से चलाने की ज़रूरत है, और अपने साइड में रहने की ज़रूरत है, और भीड़ भाड़ होती है तो स्लो चलाने की ज़रूरत है, बहुत तेज़ चलाने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी बातों का साथ साथ ख्याल रखते हैं। और तो ये रहा, ये चूँकि पहला ब्लॉग है और मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव भी नहीं है इस पे कि ब्लॉग और भी कैसे किया जा सकता है, तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि हम ब्लॉग्स को और अच्छे तरीके से जानेंगे, एक्सपेंड करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी सीखेंगे। एक्चुअली हमें सीखने का बहुत ज़्यादा एक क्यूरियोसिटी है, एक तो सीखने की क्यूरियोसिटी की वजह से मैं ये काम कर रहा हूँ। मुझे इस कारण बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलेगा, इसमें एडिटिंग एक बड़ा पार्ट है, और अपनी बात को रोचक अंदाज में रखने का जो तरीका है, यहाँ पे काफ़ी ये है, भीड़ भाड़ है, अपनी बात को काफ़ी रोचक अंदाज में रखने का एक तरीका है ब्लॉग्स। तो ये ये हमारे फ्रेंड हैं डॉक्टर अनिल कुमार, ये तो वायरल हो जाएगी, डॉक्टर प्रीतपाल, डॉक्टर नूरहसन, ये सब बड़े बड़े विद्वान हैं इस कॉलेज के, और इसको तो वायरल होना ही है ज़रूर। काफ़ी इन्होंने मेहनत की है बच्चों पे, इनके बच्चे काफ़ी आगे तक गए। हमारी पुस्तक के विमोचन के लिए धन्यवाद। कैन यू टेल मी अबाउट G20?
G20 के बारे में बताइए सर. एवरीथिंग इज क्लियर टू यू रिगार्डिंग G20. क्या है थोड़ा बेसिक लेवल पे बताइए बच्चों को G20. बच्चों को बताएंगे ना. आज कॉलेज में एक वर्कशॉप हुआ G20 एंड एनवायरनमेंट पे. एनवायरनमेंटलिस्ट बहुत बड़े मैं आपको ये बताऊं कि उनको ये पद्म श्री अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड प्रोफेसर अनिल प्रकाश जोशी जी, आप KBC में भी जा चुके हैं और बहुत ही चर्चित पॉपुलर व्यक्ति हैं. मैं आपको बता दूं कि G20 एक्चुअली है क्या. G20 में आप ये 19 कंट्री हैं और साथ में एक यूरोपियन यूनियन है G20 में शामिल. और ये GDP का, पूरी दुनिया की GDP का इनके हाथ में 85% है और ट्रेड 75% है. 1999 में इसका G20 का निर्माण हुआ, तो उसकी मीट मतलब भारत में होने वाली है, तो उस पे ही चर्चा थी, डिस्कशन था, वर्कशॉप था, बहुत बेहतरीन है. समझ में आए तो सुंदर है और नहीं आएगा तो असुंदर होने वाला है. और मैं आपको बता दूं कि आप एक बात समझे, सबसे बड़ा देश जिसको लेकर हम ललियाते हैं, लालच करते हैं कि वहां जाने का मौका मिलता, अमेरिका. मैं 3-4 बार जा रहा हूं उस अमेरिका को, जिसको कि हम ये सोचते हैं कि मुझे कोई डिग्री मिल जाए और मैं अमेरिका चला जाऊं, मैं इंग्लिश चला जाऊं ब्रिटेन, वहां मेरे को जो जीवन की सुविधाएं मिले, या यूरोप चला जाऊं तो मैं आपको उनके दर्शन करा देता हूं. आपको पता होना चाहिए कि इस समय सबसे बड़े संकट में अगर दुनिया में प्रकृति और पर्यावरण के दृष्टिकोण से कोई देश फंसे वे हैं, उनमें अमेरिका एक है, यूरोप दो. यूरोप में पिछली बार 42 डिग्री से 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर था. वो कल्पना करिए कि वो देश जो हमेशा, जो हमारे यहां नवंबर दिसंबर में तापक्रम रहता है, वहां मई जून का तापक्रम पहुंच जाता है. क्यों ऐसा क्या हुआ? और अब आपने भी सुना होगा, अखबार भी अगर आप पढ़ते होंगे, अमेरिका में एक एक नाम से तूफान आ रहे हैं. अभी कुछ समय पहले एक नए नाम का तूफान वहां आया, उसे तो कह दिया गया कि बर्फ स्नो बॉम्ब. इतनी ज्यादा बर्फ गिर गई कि वो लोग हड़बड़ हो गए. क्या हुआ? उसके तत्काल बाद कैलिफोर्निया में बड़ी बाढ़ आ गई और वो जो तमाम देश ऑस्ट्रेलिया है या यूरोप है, इन्होंने एक से एक बड़े तूफानों को झेला. दो चीजें नई नई हो रही है, एक से एक तूफान जिनके नाम नहीं सुने थे, जिनका पता पता नहीं था. और आज से 20, 25, 30, 40 साल पहले जब हमारी उम्र में, हम तुम्हारी उम्र में थे, तूफानों का ये हालात नहीं थे जो कि अब हो चुके. नए तूफान और नई बीमारियां. ये कोविड क्या है जिसने तुम सबके मुंह में ढक्कन लगाया, एक आध ने तो अभी भी लगा रखा है, और आज समुद्र खत्म. तो अब सवाल ये पैदा होता है, पढ़ लिख के भी क्या करना है, पढ़े लिख के भी क्या करना है, क्योंकि उस पढ़ाई लिखाई के बाद तो तुम नौकरी ढूंढते हो, और जब नौकरी ढूंढोगे तो फिर घंटाघर में पत्थरबाजी और ये सब तो नाटक होता है. जानते हैं क्यों? इसलिए कि अभी हमने समझ नहीं बनाई कि हम जहां से आए, जिस गांव से आए, वहां पर इतनी संभावनाएं हैं हर चीज की. सिर्फ समझ होनी चाहिए थी. क्या मतलब था? एक पानी की बोतल का व्यापार नोएडा से शुरू हो, गंगा यमुना यहां नदियां निकलती हैं, हमने क्यों नहीं व्यापार खड़े के पानी की बोतल भर भर के बेचते? कोविड के टाइम से पहले नोएडा में 1500 रुपए लीटर की उत्तरकाशी की हवा बिक रही थी,
और ये तो सुन ही लिया होगा तुमने, ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक चलता है आपका, ऑर्गेनिक खाद, इसकी खाद उसकी खाद, वो क्या है, मिट्टी है, मिट्टी का व्यापार होता है। अब हम सब एक बड़े खतरे में आ चुके हैं। आपको बता दें अध्ययन आ चुका है, वो ये कहता है कि 10% मात्र वापसी संभव है, हमने दुनिया इतनी खराब कर दी है। अरे को कार चाहिए, जिसके पास साइकिल थी उसे मोटरसाइकिल चाहिए भाई, जिसमें मोटरसाइकिल थी उसे कार चाहिए, और जिसमें कार थी उसको बड़ी वाली चाहिए, और पता नहीं क्या क्या नाम है, अजीबोगरीब नाम है। घर की रोटी खत्म हो गई और होटलों का पिज्जा चाहिए, चाउमीन चाहिए, मोमो चाहिए, अपने भोजन का तो तिरस्कार कर दिया जिससे जान बचनी थी। आपको और बता दूं मैं, दुनिया भर की रपट आ चुकी है और अमेरिका ने एक स्टडी कर रहे हैं कि जब कोविड आया तो भारतीयों ने सबसे अच्छा प्रदर्शन क्यों किया, क्योंकि भारतीयों में 70% लोग रोटी दाल भात खाते थे इसलिए बच गए, और जिसने ज्यादा खाया था पिज्जा और जिसने ज्यादा खाया था चाउमीन वो तो लेट गए। बहुत प्रिय स्टूडेंट हैं और कोहली जी भी हैं, और आप दिखाएगा जरूर, अभी ये फर्स्ट व्लॉग है यार, फर्स्ट व्लॉग है, बिल्कुल बिल्कुल, अपना चेहरा तो हटाओ, चेहरा अच्छा है ना, दिक्कत हुई है ना, लोग भाग जाएंगे देख के। और ये बहुत बड़े व्लॉगर भी हैं, ये भी बता दूं मैं आपको, उधर भी हमारे नजर आ रहे हैं काफी। ठीक है फिर, ठीक है सर, अपना ख्याल रखना। अरे बैंक से पैसे लाना है। अच्छा, आप ऐसे थोड़ा देखा है बस खाली ऐसे उधर, हाँ उधर देखिए उस साइड से, बस एक नजर मार दीजिए, मेरा कोऑपरेट कीजिए वीडियो बनाने में। मैं तो अकेला ही चलाता हूँ, जानी दे मंजिल। अब रख दें उसको, बस रख दीजिए, लाइए ना मैं उसको। हाँ, तो अब मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप इस ब्लॉग को, अफरोज इकबाल ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमें बताइए कि किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए हमको, क्या क्या आपके मतलब क्यूरियोसिटी है जो नॉलेज फील्ड स्टडी से रिलेटेड हो, और शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।